हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आपका नया किस तरीके का सिलेबस है तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है। इस चीज को लेकर के कि आपका नया शिक्षा नीति आया हुआ है, सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, क्या चीज आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ हम आपका कवर करवा रहे हैं। ऑलरेडी हमारी 2000 से भी ज्यादा वीडियोज अपलोडेड है, तो अगर आपने अभी तक चैनल पर विजिट नहीं किया है तो एक बार विजिट करके देखो। इफ यू थिंक इट इज वेलेबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके मेरे दोस्त, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है नया जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है जियोग्राफी का, बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर यूनिट नंबर 1 हम आपका भी कंप्लीट करवा रहे हैं। और यूनिट नंबर 1 का आपका नाम क्या है, भौतिक भूगोल की प्रकृति और दायरा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल और पृथ्वी, पृथ्वी का आंतरिक भाग, समय और पैमाना। तो पिछले हमने इस पर ऑलरेडी 2 वीडियो बना लिया और यह हमारा है डे नंबर 3। इसको आप कह सकते हो डे नंबर 3 यानी कि तीसरी वीडियो आज आपको मिल रही है यूनिट नंबर 1 पर, क्योंकि आपको दिख रहा है इतनी सारी चीजें हैं जिनको हमको कवर करना है यूनिट नंबर 1 पे। तो इसके बाद भी आपको वीडियो मिलने वाली है यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड। एक एक टॉपिक हम आपका पूरा डिटेल पढ़ा रहे हैं। अगर आपको यूनिट नंबर 1 पूरा देखोगे ना, लगभग 1 घंटे की पूरी सीरीज आएगी। तो 1 घंटे अगर मैं एक ही वीडियो में पढ़ाता हूँ शायद आप बोर हो जाओ, तो इसलिए एक टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे कि चीजें और भी ज्यादा इजी, जो और भी ज्यादा आसान हो जाए आपके लिए। समझ पा रहे हैं? तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था भौतिक भूगोल का अर्थ, प्रकृति, दायरा, परिभाषा, विषय क्षेत्र, इन चीजों के बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमने बात किया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के, जिसमें हमने बात किया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के ज्वारीय परिकल्पना, जो कि जो है जेम्स जीन्स ने दिया हुआ था 1919 में, और उसको जो है जेफरीज महोदय ने क्या किया था, उसका संशोधन किया था। तो उस सिद्धांत के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके और आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जो सबसे नवीनतम, सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी, यानी कि जिसको महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है। तो उस सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके मेरे दोस्त, अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर किया कीजिए जिससे कि उनकी हेल्प हो सके और हम और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और भी लोगों की बड़ी हमारी फैमिली हो सके जिससे कि हेल्प हो सके और भी ज्यादा लोगों तक। ओके तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं जो ये सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक रहे हैं यानी कि इसके स्टार्ट किया था वो थे बेल्जियम के जॉर्ज लेमेट्रे। जॉर्ज लेमेट्रे ने इस सिद्धांत के बारे में बात किया हुआ था और इस सिद्धांत को जो है एक थ्योरी के रूप में इस्टेब्लिश करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट बेगोनर का, जिन्होंने 1967 में इसको एज ए थ्योरी, एज ए पृथ्वी की उत्पत्ति का जो थ्योरी था उस थ्योरी के रूप में ला करके सबके सामने रखा रॉबर्ट बेगोनर। अब इस सिद्धांत में पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के क्या बात कहा गया है, आइए उसको समझते हैं। तो देखो, इस सिद्धांत में यह बात किया गया है कि आज से लगभग 15 अरब साल पहले, यानी कि हम आज जिस टाइम पीरियड में जी रहे हैं इससे लगभग 15 अरब साल पहले क्या था कि हमारा मतलब जो भी पूरा ब्रह्मांड है ना, जो भी इस दुनिया में आप इमेजिन कर सकते हो, इस दुनिया के बाहर मतलब आपकी पृथ्वी से बाहर जितना भी आपने चीजें आज तक सुन रखी है, ये होता है, ये ग्रह है, वो ग्रह है, आकाश गंगाएं हैं, पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, जितनी चीजों के बारे में आपने सुन रखा है सब कुछ सारा का सारा क्या है, ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है। और पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या था, गर्म और सघन एक बिंदु पर एक परमाणु के रूप में क्या था, इकट्ठा हुआ था। एक सघन बिंदु था जहां पर क्या था, इकट्ठा हुआ था, जिसको ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। तो एक सघन बिंदु पर पूरा ब्रह्मांड जो आज आप कल्पना कर सकते हो वो सारा कुछ एक पॉइंट पर, एक सघन बिंदु पर था आज से 15 अरब साल पहले। तो 15 अरब साल पहले क्या हुआ कि ये जो सघन बिंदु था इसका नाभिकीय विखंडन की क्रिया हुई इसके साथ। नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक का टूट जाना, सब एक जगह पर इकट्ठा थे अब टूटा। तो नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया होती है बहुत पावरफुल क्रिया होती है, या आप जो बम विस्फोट देखते हैं ना उसमें भी नाभिकीय विखंडन की ही क्रिया का यूज किया जाता है। तो आप देखते हैं कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग वो होता है, मतलब कितना ज्यादा विस्फोट होता है। तो ऐसे ही जब पूरी जो ब्रह्मांड है वो एक ही सेंटर पॉइंट पर जो इकट्ठा थी और उसमें जब नाभिकीय विखंडन की क्रिया हुई तो कितना बड़ा विस्फोट हुआ होगा यह आप कल्पना कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इसको जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया हुई इसको ब्रह्मांड विस्फोट के नाम से जाना जाता है, या बिग बैंग के नाम से भी समझते हैं, बिग बैंग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यह क्रिया हुई, इस क्रिया के होने के यानी कि यह क्रिया हुई तो जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मांड की जब उम्र यानी कि ब्रह्मांड का जब टाइम पीरियड एक सेकंड मतलब जो है, जैसे ही ये विस्फोट हुआ, सबसे पहले देखते हैं जैसे ये विस्फोट हुआ उसके 1/10 लाखवें यानी कि 1/10 लाख, यानी कि 10 लाख को एक सेकंड को 10 लाख पार्ट में अगर आप बांटे तो उसमें से जो एक पार्ट निकल करके आएगा उतने टाइम पीरियड में क्या हुआ कि ये जो सघन बिंदु था वो क्या हो गया, आग का गोला बन गया। समझ पा रहे, 10 लाख पार्ट एक सेकंड का करोगे तो उसके जो एक पार्ट आएगा उससे उतने टाइम पीरियड में क्या हो गया, आग का गोला बन गया पूरा।
समझ पा रहे हैं। उसके बाद जब ब्रह्मांड की उम्र 1 सेकंड की होती है, यानी कि इस विस्फोट के 1 सेकंड के बाद क्या हुआ, 1 सेकंड के बाद जो इसका टेम्परेचर था, जो विस्फोट हुआ बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, लेकिन 1 सेकंड के बाद वो टेम्परेचर कम होकर के 10 के पावर 10 कैलोरी हो गया, 10 के पावर 10 के ही रह गया, घट करके। शुरुआत में बहुत ज्यादा था लेकिन 1 सेकंड में इतना टेम्परेचर बचा। तो जिस टाइम पीरियड पे इतना टेम्परेचर हुआ, उस टाइम पीरियड पे कुछ चीजों की उत्पत्ति हुई, कुछ चीजें बनी, जैसे कि क्वार्क हो गया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और जो कण है इनकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई 1 सेकंड के बाद। इसके बाद टाइम पीरियड बीतता गया और जब 100 सेकंड हुआ ब्रह्मांड की उम्र, 1 सेकंड से लेकर के 100 सेकंड तक जब ब्रह्मांड की उम्र हुई 100 सेकंड की, तो 100 सेकंड के बाद जो इसका टेम्परेचर था वो टेम्परेचर क्या हुआ, घट करके 10 के पावर 9 के रह गया। आप देख रहे हैं, यानी कि 10 के पावर 10 मतलब 10 के बाद 10 जीरो, तो 10 जीरो में से अब केवल 9 जीरो रहेगा। अब 1 जीरो कम होने से आगे देख पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या कम हो रही है। तो 100 सेकंड के बाद इतना टेम्परेचर हो गया। और इससे क्या हुआ, जब टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ, जो नाभिक टेम्परेचर जब ज्यादा रहता है तो नाभिक क्या होते हैं, दूर दूर भटकते हैं, वो क्या हुआ, एक साथ इकट्ठा होने लगे। तो जिससे क्या हुआ कि ये इकट्ठा होकर के एक भारी नाभिक बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो भारी नाभिक थे, ये जो नाभिक बने या जो भी चीजें इससे बनी, जो भी सामान बने, वो 25% इनका जो द्रव्यमान रहा इन सभी का, वो किससे बना हुआ था, हीलियम से। क्योंकि तो आप देखोगे, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि सूर्य से जो पार्ट निकल करके पृथ्वी बना था, तो उसमें भी किसकी मात्रा थी, हीलियम की, क्योंकि सूर्य का लगभग 98% भाग क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही जो भी द्रव्यमान थे उसमें हीलियम की मात्रा बहुत ज्यादा थी, 25%। उसके बाद क्या हुआ है, ऐसे ही टाइम पीरियड बीतता रहा और ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था। क्योंकि जब बिग बैंग की थ्योरी हुई तो ब्लास्ट हो, ब्लास्ट के बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा होता चला जा रहा है। और जब ब्रह्मांड की उम्र जो है इसी तरीके से ये चलता रहा और 1000 वर्षों तक ये आग के गोले की तरह ही दहकता रहा, मतलब कि 1000 सालों तक ये ऐसे ही चलता रहा, और 1000ों सालों तक ये चलता रहा, ये प्रोसेस चलता रहा। और जाकर के 70,000 साल के बाद, यानी कि ये बिग बैंग की विस्फोट हुआ उसके 70,000 साल के बाद जाकर के क्या हुआ, जो तापमान था वो 3000 के तक हो आ गया, यानी कि जो टेम्परेचर था वो कितने के तक आ गया, 3000 के तक आ गया। और इससे क्या हुआ कि नाभिक का घनत्व तो लगभग क्या हुआ, क्या और कम हो गया, यानी कि जो नाभिक था उसका घनत्व तो और होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि 1000 प्रति घन सेंटीमीटर ये क्या हो गया, घट करके हो गया नाभिक का घनत्व। जिससे क्या हुए कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे और ये जो नाभिक थे, इन्होंने मिल करके तत्वों का निर्माण किया। इन्होंने मिल करके किन तत्वों का निर्माण किया, हीलियम और हाइड्रोजन। इन तत्वों का निर्माण कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन और नाभिकों के मिलने से 70,000 साल के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि 70,000 सालों के बाद फिर धीरे 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 टेम्परेचर घटता रहा, घटता रहा, टाइम पीरियड बीतता गया बीतता गया। और बिग बैंग के 1000 मिलियन साल के बाद, 1000 मिलियन समझ रहे हैं, 1 मिलियन में 1000 साल होता है, तो 1000 मिलियन टाइम पीरियड बीत गया। तो उस टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन और हीलियम के जो परमाणु थे, इन्होंने मिलकर के निर्माण किया, किस चीज का, हाइड्रोजन और हीलियम के जो परमाणु थे इनसे मिलकर के तारों का निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, जितने भी आकाश गंगाओं के बारे में आप कल्पना कर सकते हो, तारे जो आपको दिखाई देते हैं, इन सभी का निर्माण किससे हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन से। इनमें अगर आप तारा को देखोगे या सूरज को देख लोगे तो उसमें 98% पार्ट उसका हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ होता है। तो 1000 मिलियन साल के बाद ये हीलियम और हाइड्रोजन के जो परमाणु थे, इन्होंने मिलकर के तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण किया। फिर क्या होता है कि ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है टाइम पीरियड। और उसके बाद 10,500 मिलियन वर्ष के बाद, यानी कि 10,500 मिलियन साल मतलब कि आज से लगभग 10.5 अरब साल पहले, मतलब 10.5 अरब, बिग बैंग होने के 10.5 अरब साल के बाद, यानी कि अगर हम आज से देखें जिस पर टाइम पीरियड पे हम रह रहे हैं, तो आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले, बिग बैंग से 10.5 अरब साल बाद और आज से 4.5 अरब साल, आप जोड़ोगे दोनों को तो 15 अरब साल होगा ना। तो आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले क्या हुआ, सौरमंडल का धीरे धीरे विकास हुआ, सूरज, सूरज की और भी जितनी भी कक्षाएं हैं वो सारा कुछ धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ। और जब सूरज बना तो सूरज के बाद फिर हमने देखा था कि कैसे कैसे जो है सूरज से ही टूट करके पार्ट से बने हुए हैं हमारे ग्रह, उपग्रह, जितने भी ग्रहों के बारे में आप जानते हो, और उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ।
समझ पा रहे? तो इस तरीके से जो है बिग बैंग के बाद धीरे धीरे करके हमारी पृथ्वी और भी जितने भी सारी चीजें थी वो सब पता चल गया। अब अगर आप देखोगे इसी तुलना आप करो ज्वारीय कल्पना से, तो ज्वारीय कल्पना में क्या था कि सूरज से पार्ट निकल करके ग्रह और उपग्रह बन गए, हमारी पृथ्वी बन गई। तो इससे केवल पृथ्वी या पृथ्वी से रिलेटेड जो सूरज से टुकड़े निकले हुए थे उन्हीं की बात की जाती है। लेकिन जब इस थ्योरी की आप बात करते हो ना, तो इस थ्योरी में आपको हर एक चीज के बारे में पता चलता है, यानी कि इस थ्योरी के माध्यम से आपको पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता चलता है। पूरे ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने भी नॉलेज हो सकते हैं, जितने भी चीजें हैं, वो सारा कुछ कहीं ना कहीं इस चीज से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये सिद्धांत अभी तक मान्यता प्राप्त है और ये एक लंबे समय से मान्यता प्राप्त चला आ रहा है। 1967 से देख सकते हैं, अभी 2022 तक हो चुके हैं और अभी तक ये थ्योरी मान्यता प्राप्त है। मे भी आगे आने वाले टाइम पीरियड में ये जो थ्योरी है ये थ्योरी भी गलत साबित हो और कोई नई थ्योरी सामने आए हमारे सामने, तो जब वो थ्योरी आएगी तो उसको भी पढ़ लिया जाएगा। ओके, तो अभी तो यही थ्योरी है। तो ये था हमारा बिग बैंग थ्योरी और आज की हमारी वीडियो। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड हमने आपको दो सिद्धांत बता दिए और यही मैक्सिमम टाइम पे बिग बैंग थ्योरी ही आपकी आती है। कभी कभी ज्वारीय परिकल्पना पूछ लेता है, तो दोनों को हमने कवर करवा दिया है। बाकी चीजें आपको पढ़ने के लिए नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन वहां से मतलब क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। और बाकी जो आगे रहा कि सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी लगभग लगभग बात हो ही गई है इसमें कि कैसे हुआ, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी अगर आपने पढ़ा तो सौरमंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आपको पता चल गया है। अब आगे के वीडियोज में आपको क्या पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक भाग और समय पैमाना, यानी कि अभी हमको लगभग दो वीडियोस और इस यूनिट पर लेकर के आनी है। तीन वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं डे नंबर 3 तक, तो दो वीडियो और आने वाली है। तो दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी बहुत कुछ सीख सके। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।